Good afternoon, FIB.com students. Shall we start? Shall we start? Ma'am. Okay, which was the last point? Which was the last point? Omnivorous animal. Omnivorous animal. Okay. ये हुआ था इकोसिस्टम, ये तो हुआ था शायद ओमनिवरस. एक मिनट, इधर है कार्निवरस. ओके, ये पूरा का पूरा हुआ था कि आधा ही हुआ था? हाँ, ये पूरा का पूरा हुआ था या आधा ही हुआ था? पूरा का पूरा हुआ था या आधा हुआ था, ऐसा पूछ रहे हो आपको? हो गया मैडम ये. ओके, आगे पढ़ते हैं. हो गया मैडम. ओके ओके ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज डीकंपोजर्स. दैट डीकंपोजर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डीकंपोजेस और ब्रेक डाउन द ओरिजिनल मटेरियल सच एज रिमेन ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म. डीकंपोजर इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी. ओके, दिस ऑर्गेनिज्म कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो आफ्टर द डेथ. द डीकम्पोजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज इट अलाउज ऑर्गेनिक मैटर टू बी रिसाइकल इन इकोसिस्टम. तो डीकम्पोजर क्या है? डीकम्पोजर क्या है? तो ये डीकम्पोजर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेक होने के बाद या डीकम्पोज होने के बाद उसका जो मटेरियल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल वो डेड बॉडी से मिलता आता है. कि फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजर इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगी. तो बैक्टीरिया और फंगी जैसे जनरली ऐसे सर्फिशली देखे जाए तो नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें या छोटी सी चीज देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाते हैं, तभी ये हमको कुछ तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं हमको दिखाई देते हैं. कि फॉर एग्जांपल जो हम कड़ खाते हैं, दही खाते हैं ना, तो दही बहुत दिन फ्रिज में रहने के बाद उसमें फंगी ऐसा सा लेयर आ जाता है. यस और नो? यस मैम. ब्राउन थोड़ा होता है. ब्राउन थोड़ा सा हो जाता है, तो उसको हम फंगी बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया बोलते हैं. ओके, तो ये जो फंगी और बैक्टीरिया होता है कि उसका अभी ये काम उसका शुरुआत हो गया, कि वो जो हम बोलते हैं कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड होने के बाद जो आता है, जो तैयार होता है, तो उसको हम बोलते हैं फंगी. कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन डेड बॉडीज या एनिमल डेड बॉडीज. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जब भी ह्यूमन डेड बॉडीज, तो कि सभी धर्मों में या सभी रिलीजन में कि ह्यूमन डेड बॉडीज को, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो हिंदू शास्त्र के अनुसार है, तो डेड बॉडीज को ज़्यादा घर में क्यों नहीं रखते हैं? उसका रीज़न क्या होता है? डेड बॉडीज को घर में ज्यादा क्यों नहीं रखते हैं, उसका रीजन क्या होता है? घर में ज्यादा रखने के बाद वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, इंसान के शरीर में गैसेस बनना शुरू हो जाता है, इसलिए नहीं रखते. ओके, मींस डीकम्पोज बॉडी जो डीकम्पोज होना शुरुआत हो जाता है, इसकी वजह से डेड बॉडी को ज्यादातर घर में नहीं रखते. तो आपने शायद देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कुत्ता गुजर गया है, कोई पेट एनिमल गुजर गया है, ओके, जो फॉर एग्जाम्पल जो रास्ते पे है पड़ा हुआ, तो कभी कभी हम जब रास्ते से पास होते हैं तो हमको एक बुरे प्रकार का स्मेल आता है. यस और नो? कभी कभी कोई डेड एनिमल हो तो वो क्या होता है, उसका जो बॉडी है वो डीकम्पोज होना शुरुआत हो गया है. ओके, उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, उसमें फंगी लग जाता है, तो जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं वो इकोसिस्टम एक रिसाइकल होने का काम करता है. तो ये भी जरूरी है कि फॉर एग्जांपल जैसे माइनॉरिटीज में या मुस्लिम कम्युनिटी में जो डेड बॉडीज होती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो डेड बॉडीज होती है उसको दफनाया जाता है, तो उसको दफनाने के बाद उसका डीकम्पोज क्या होना, मीन्स डीकम्पोज होना क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है. तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? यस मैम. ओके, आगे चलें. यस मैम. ओके, देखिए अभी आगे का पॉइंट देखिए. डीकम्पोजर्स एंड डिट्रीव्यूअर्स. डीकम्पोजर एंड डिट्रीव्यूअर्स. Some organisms perform a similar function as a decomposer and are sometimes called decomposers but are technically detrivers. Okay,
डीकम्पोजर एंड डिट्रीवर्स जैसे ऐसे देखने में नहीं पर बोलने में तो ऐसे जो उनके जो फंक्शंस प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो उसकी वजह से दोनों को एक जैसे नाम ही दिया गया, मीन्स एक जैसे ही वो दिखाई देते हैं. द डिफरेंस लाइज इन द वे द डीकम्पोजर एंड डिट्रीवर्स ब्रेक. तो क्या बोला, द डिफरेंस लाइज इन द वे डीकम्पोजर एंड डिट्रीवर्स ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल. जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाने के बाद या डेड होने जाने के बाद वो डीकम्पोजर शुरू होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, और डिट्रीवर्स भी तभी से शुरू होता है. ओके, डिट्रीवर्स तब से शुरू हो जाता है. ओके, तो डिट्रीवर्स मस्ट डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल विद इन द बॉडी in order to break it down and get nutrients from it. तो डिट्रीवर्स का काम क्या होता है कि जो डेड बॉडीज होती है उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उतना जितना न्यूट्रिएंट्स होता है वो कंपोज करने का, खुद के पास लेने का काम वो करता है. और जितना भी डेड बॉडीज होता है उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको क्या करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है. डू अंडरस्टैंड और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. Okay. अभी मैंने आपको एक मैम ओके मैं आपको अभी बोल रही हूँ कि जिसका भी ऑडियो सॉरी वीडियो अभी ऑन था, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पे अभी पढ़ाई चल रही है, तो आप उसके हिसाब से ही ये सब कुछ यहाँ पे हम आप ऑब्जर्व करेंगे. ओके, कि यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, यहाँ पे लेक्चर हो रहे हैं. ओके, आगे देखते हैं. मैं फिर से समझाती हूँ. डिट्रीवर्स मस्ट डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल विद इन द बॉडीज इन ऑर्डर टू ब्रेक इट डाउन एंड गेन द न्यूट्रिएंट्स. तो डिट्रीवर्स का काम क्या है, जितना ऑर्गेनिक मटेरियल उसको ब्रेक डाउन करना है, उसको तोड़ देना है, उसमें से जितना न्यूट्रिएंट्स उसको मिलता है वो खुद कंपोज करता है या खुद लेता है. द डीकंपोजर्स डू नॉट नीड टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इंटरनली इन ऑर्डर टू ब्रेक इट डाउन. इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन ब्रेक डाउन द मैटर थ्रू द बायोकेमिकल रिएक्शंस. तो ये जो थोड़ा सा साइंटिफिकली है कि जो डीकम्पोजर होते हैं उनको ऑर्गेनिक मटेरियल इंटरनली ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, वो टोटली जैसे मटेरियल होता है ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस. ओके, ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिट्रीवर्स इंक्लूड द इनवर्टिब्रेट्स सच एज अर्थवर्म्स, वुडलाइस, सी स्टार्स, स्लग्स एंड फीडर क्रैब्स. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो डिट्रीवर्स है, डिट्रीवर्स कैसे होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म्स होते हैं ना, जैसे अपन त्याला अपन म्हणतो गांडूळ वगैरे मराठीत, आपण त्याला गांडूळ वगैरे म्हणतो की जे आता ह्या पावसाळ्याच्या सीझन मध्ये आपल्याला जास्त बघायला मिळतात. डू अंडरस्टँड? यस मॅम. वुड लाइस? यस मॅम. ओके, वुड लाइस. तो ये yes, प्रकार के ये जो कीड़े होते हैं, वुड लाइस, सी स्टार्स, जो सी स्टार आपने देखा होगा, एंड स्लग्स एंड फिडलर क्रैब्स. तो आप जब भी आपको ये पॉइंट कोई भी समझ में उसका जब आप गूगल पे इमेज डालोगे तो आपको गूगल पे वो इमेज दिखाई देगी, तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि ये किस प्रकार का दिखाई देता है. तो ये सब सो ये है ना, ये डिट्रीवर्स है, ये एग्जाम्पल्स है डिट्रीवर्स के. डिट्रीवर्स कौन से है? फिडलर क्रैब्स, स्लग्स, सी स्टार, वुड लाइस एंड अर्थवर्म्स. ओके, समझ में आया? यस मैम. ओके. यस मैम. अभी ये देखिए नया पॉइंट है, फूड चेन एंड फूड वेब. फूड चेन एंड फूड वेब, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, थोड़े से पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको? यस मैम. हां मैम. यस मैम. ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है? पेड़ है. यस. ये हिरन है और ये लाइन है. फिर आपको फिर से ये जो हम हमने अभी डिस्कस किया, फंगी, बैक्टीरिया, डेड बॉडीज, ये सब कुछ वन एनर्जी पासिस टू अनदर. अभी आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ये फ्लावर दिखाई रहा है. ये फ्लावर है, फिर उसको चूस उसमें से जूस सब कौन करता है? तो बटरफ्लाई है. उसको बटरफ्लाई को कौन खाता है? तो फ्रॉग खाता है. फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है. और स्नेक को खाने वाला कौन होता है? ईगल होता है. तो वन एनर्जी पासिस फ्रॉम अनदर, सॉरी, वन एनर्जी पासिस फ्रॉम टू अदर लेवल.
अभी हम ये एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, अभी हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं कि फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है, ठीक है। बहुत और अच्छी तरह से समझने के लिए देखो दूसरा पिक्चर आपको दिया है, सबको दिखाई दे रहा है ठीक से, सबको दिखाई दे रहा है, ओके यस मैम, ओके यस मैम। देखो यहाँ पे देखो कॉर्न प्लांट है, यस मैम, ओके। प्लांट को कौन खाता है, ये कॉर्न वाला प्लांट कौन खाता है, रेट खाता है, और रेट को खाने वाला स्नेक भी होता है और आउल भी होता है। तो वन एनर्जी पासिस फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, सेकेंड लेवल टू थर्ड लेवल, ओके। अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आगे देखिए द कंसेप्ट ऑफ फूड चेन। इन द साइंटिफिक टर्म्स द फूड चेन इज द क्रोनोलॉजिकल पाथवे और एनी अदर शोज दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। जैसे मैंने अभी बोला द एनर्जी पासिस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म इन In commitment which has producers, consumers and decomposers, the energy flow specific pathway, कि जैसे एक प्रकार का एनर्जी एक ही मीन्स एक डिरेक्शन में या वन डिरेक्शन से दूसरे डिरेक्शन में पास होता है। प्रोड्यूसर्स कौन है, तो प्लांट्स है। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स है, ओके यस और नो, यस मैम। प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ओके। फिर कंज्यूम कौन करते हैं उसको, कंज्यूमर, रेट क्या हुआ, कंज्यूमर हुआ, ओके। और जब वो रेट को खाने वाला थर्ड पर्सन कौन होता है, कौन होता है, आउल, ईगल, ओके ओके स्नेक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवरस, ओके। ओमनीवरस एनिमल ना, दिस इज कॉल्ड ओमनीवरस एनिमल। सो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, क्या बोला अभी मैंने, अभी आगे का पॉइंट क्या बोला मैंने, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड क्या बोला, कौन क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला मैंने, देखिए प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर, ओके। सो एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, so but it flows from one level to another level through the different organisms, okay. So food chain shows the single pathway from producers to consumers and how the energy flows in this path. So food chain kya hai, when energy passes from one organism to another organism, so it is called food chain in short. Understand Yes, ma'am. All of you, do you understand properly? क्योंकि ये आपको पॉइंट आया, ये पॉइंट आया था, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। Food chain shows that the single pathway from producer to consumer. Okay, sorry, ये हो गया। In this animal kingdom, it travels around different levels. To understand the food chain better, now we will look at the terrestrial ecosystem. ये देखिए। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको अच्छी तरह से, ये आपको yes, दिख रहा है अच्छी तरह से, देखिए ये सन है, उसमें से एनर्जी ये प्रोड्यूसर से वो कंज्यूम करता है, यहाँ से यहाँ पास होता है, यहाँ से यहाँ पास होता है, यहाँ से यहाँ पास होता है, टेरिस्ट्रियल कंज्यूमर, फिर यहाँ से यहाँ पास होता है और लास्ट में ऐसा होता है। डू यू अंडरस्टैंड, ये पिक्चर आपको, ये पिक्चर मैंने इसकी वजह से रखा है कि आपको ये पॉइंट जल्दी से और अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। दूसरा एक पिक्चर ये देखिए, सब यहाँ पे दिया गया है टेरिस्ट्रियल, अभी जो मैंने बोला टेरिस्ट्रियल एनर्जी कि कैसा होता है, ये देखिए सब यहाँ पे दिखाया गया है, ओके। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन हम ऑफलाइन करेंगे, ऑफलाइन एग्जाम होंगे, तो आपको ये थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ता है, ओके। अभी देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फूड वेब। फूड वेब अलग है, फूड चेन अलग है। मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन मेक अप द फूड वेब। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बट दोनों का डेफिनेशन कैसा है, अलग अलग है। मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन मेक अप द फूड वेब। व्हेन यू लुक एट द पिक्चर द फूड वेब शोज दैट द रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी flow through the different organisms in ecosystem. Okay, sometimes the single organism gets eaten by many predators or
it eats many other organism. So this is when the food chain doesn't represent the energy flow in the proper manner, because there are many trophic levels that interconnect. ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट है ओके या कैट है, तो कैट होती है तो वो हर एक पर्टिकुलर सिंगल प्रकार का फूड इस्तेमाल करती है या खाती है क्या? जो कैट होती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैट, दैट शी इट्स ओनली पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड, यस और नो? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. या क्या बताया है कि जो हर एक दिस इज व्हेन फूड चेन डजंट रिप्रेजेंट द एनर्जी फ्लो इन द प्रॉपर मैनर बिकॉज देर आर मेनी ट्रॉफिक लेवल्स इज इंटरकनेक्टेड ओके. तो जैसे वैसे बोला कि सम टाइम्स सिंगल ऑर्गेनिज्म गेट्स ईटन बाय मेनी प्रेडेटर्स और इट ईट्स मेनी अदर ऑर्गेनिज्म ओके. तो जो प्रेडेटर्स होता है ओके जिसने कंज्यूम किया है ओके कंज्यूमर ने जो प्रेडेटर्स होता है उसके पास हर एक प्रकार का उसने एनर्जी वाला खाना खाया होगा. यस और नो? यस और नो? ओके. फॉर एग्जांपल स्नेक ओके. तो स्नेक सिर्फ फ्रॉग खाता है ऐसा है क्या? नहीं. स्नेक हर एक प्रकार के सब कुछ जो उसको जो उसका जो पर्टिकुलर फूड है वो सभी टाइप का वो सभी एनर्जी वाला फूड खाता है. So they are interconnected. So this is where the web comes to into the place. So वहाँ पे web food web का काम होता है. It shows that the interaction between the different organism in ecosystem. क्योंकि हर एक जो जीव है, जो organism है, वो एक दूसरे पे कैसा है? कैसा है? Dependent है या independent? हाँ, dependent है. Dependent. Dependent है. तो उसकी वजह से हमको food web हमको यहाँ पे दिखा देता है. फूड मैप. फूड वेब मतलब क्या? कि एक प्रकार का कोई भी जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है उसको खाने वाला मेनी प्रेडेटर्स के बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जिसको हर एक तरह से के एनर्जी वहाँ पे मिलती है. तो उसको जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फूड वेब. फूड वेब. ओके. अभी ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट पिक्चर देखिए. कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? फूड चेन या फूड वेब? फूड वेब. ओके. अभी फूड वेब ये देखिए, ये प्रोड्यूसर्स है. ये प्रोड्यूसर्स मींस ट्री, प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स, ओके, ग्रासेस, फ्लावर्स, एवरीथिंग. ओके. उसको खाने वाले ये कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स उसको हम बोलते हैं हर्बीवर्स. हर्बीवर्स मीन्स द एनिमल्स हु ईट ओनली वेजिटेशन और वेजिटेबल्स और प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हर्बीवर्स. ओके. ये कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर है. ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, देखिए उसको हम प्रेडेटर्स बोलते हैं. ओके. इसने ये खाया, हर एक प्रकार के प्लांट खाए, उसमें से एनर्जी उसके पास पास हुई, ये एनर्जी अभी ये प्रेडेटर्स है. ओके. सेकेंड कंज्यूमर है, तो उसके पास पास हुए. और उसके बाद ये जो थर्ड टाइप के जो कंज्यूमर्स है, टेरिटरी कंज्यूमर्स, प्रेडेटर्स, तो ये सब जिसने ये सब कुछ खाया वो एनर्जी अभी कैसे जाने वाले उसके पास? इनडिरेक्टली जाने वाली है ना? इनडिरेक्टली जाने वाली है कि नहीं जाने वाली? डू अंडरस्टैंड? वो डिरेक्ट नहीं खाएगा. वो डिरेक्ट नहीं खाएगा. देखो ये यहाँ पे डिरेक्ट नहीं खाएगा प्लांट्स वगैरह, पर प्लांट्स खाने वाला एनिमल उसने खाया तो एनर्जी कैसे इनडायरेक्टली उसके पास पास होगी. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? यस मैम. यस मैम. यस मैम. आगे देखते हैं. एग्जांपल्स ऑफ बायोमास पिरामिड. ओके. कीप इन द माइंड दैट वी हैव इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड एंड अपराइट वन. ओके. माइस ईट ग्रास. Mice means rat. Mice are in turn eaten by owls. The grass has the grass biomass in this chain. Okay. जो grass होता है, अभी मैंने आपको वही example दिया. Mice means
थोड़ा सा बड़े टाइप का जो हम बोलते हैं ना रैट, आपण म्हणतो ना मोठा उंदीर म्हणतो की नाही मराठीत त्याला मोठा उंदीर, हा त्या टाइपचा असतो माईस. ओके, रॅट मीन्स छोटा, माईस मीन्स बडा. ओके, माईस आर इन टर्न इटन बाय द आउल. माईस को कोण खाता है? आउल खाता है. सो ग्रास हैज द गेन बायोमास, बायोमास इन द शेप, जो ग्रास होता है जो टिपिकल हम घास बोलते हैं उसको, तो उसमें बायोमास है. इस बायोमास देयरफॉर सिट्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड. जो से अभी आपने ये पिरामिड देखा, ये पिरामिड देखा आपने, तो ये जो बायोमास है वो कहाँ पे दिखा रहता है? एट द प्राइमरी लेवल. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, कंफ्यूज मत होइए. नहीं समझा तो आप फिर से पूछ सकते हैं. Then conversely, the owl has the lowest biomass in the chain and hence sits on the top of the pyramid. कि जैसे अभी आपको मैंने बोला जो predators है उसके पास indirect energy जाती है, तो कैसे हुआ? उसकी जो energy हुई, जो biomass होगा तो उसके पास कैसे जाएगा? Biomass होगा वो कैसे जाएगा उसके पास? कम जाएगा या ज्यादा जाएगा? कम जाएगा या ज्यादा? ज्यादा कैसे जाएगा? देखिए आप, कम जाएगा तो बोलेंगे ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएंगे तो बोलेंगे कम जाएगा. समझा नहीं ये पॉइंट आपको? ये पिरामिड दिख रहा है आपको, पिरामिड. ओके, अभी मैं फिर से समझाती हूँ क्या है प्राइमरी. ओके, ये बायोमास है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये बायोमास इसमें ज्यादा होता है. ओके, तो ये जो लोग खाते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जिसको हम बोलते हैं हर्बीवर, उसमें ये बायोमास की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है. समझ में आया? समझ में आया? ओके, यस मैम. उसको जो खाने वाले ये दूसरे जो कंज्यूमर है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसमें बायोमास कैसे होगा? एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाता है तो वो लेवल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा. ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा. और इधर से भी वो थर्ड पर्सन के पास, थर्ड कंज्यूमर के पास चला गया, तो बायोमास की जो लेवल होगी वो कैसी होगी? कैसी होगी? बायोमास की कम होगी. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली बायोमास खाते नहीं है, डायरेक्टली बायोमास खाते हैं, इनडायरेक्टली खाते हैं. तो वो जो हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने फ्रेश खाना खाया, जो अभी बना अभी खाया. ओके, तो उसमें एनर्जी कैसे होगी? उसमें एनर्जी ज्यादा होगी ना? ज्यादा होगी. ओके, पर फॉर एग्जाम्पल हमने दो दिन पहले का खाना खाया तो उसमें एनर्जी कैसी होगी? कम होगी. वैसा ही होता है यहाँ पे. ओके, जब हम फ्रेश खाना खाते हैं, ताजा बनाया हुआ खाना खाते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, आपको एनर्जी मिलती है. एनर्जी तो फूड से मिलती ही है, लेकिन अगर आपने दो दिन पहले का खाना खाया, आठ दिन पहले का खाना खाया, तो आपके सेहत के लिए कैसा होगा? अच्छा होगा या नहीं? अच्छा नहीं होगा. बुरा होगा. नहीं, नहीं. बुरा होगा. अच्छा नहीं होगा. उसमें एनर्जी तो मिलेगी, वो एनी हानिकारक होगा, लेकिन जो एनर्जी मिलेगी वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी. समझ में आ रहे? अभी समझ में आ रहे? हाँ, वही. ओके, अभी दूसरा एग्जांपल देखिए. द कैटरपिलर फीड्स ऑन द ऑक ट्री. कैटरपिलर आपको पता है कैसा होता है? कैटरपिलर, हेलो, हमें छोटा इंसेक्ट होता है वो पेड़ पर. इंसेक्ट होता है, देखिए यहाँ पे आपको ये पिक्चर में यहाँ पे मिल जाएगा. दिखा यहाँ पे ये कैटरपिलर, दिखा ये कैटरपिलर, दिख रहा है? हाँ मैम. हाँ, ऐसा होता है कैटरपिलर. ओके, ये देखिए. द कैटरपिलर फीड्स ऑन द ऑक ट्री. द कैटरपिलर इज इन टर्न ईटन बाय ब्लू टिक. अभी उसको खाने वाला एक ऐसा होता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर है. ओके, तो ब्लू टिक होता है. व्हाइल ईटन बाय स्पैरो हॉक. ओके, तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना खाने वाले, तो पक्षी ज्यादा छोटे छोटे कीड़े खाते हैं. ओके, द ऑक ट्री इज एट द बॉटम ऑफ बायोमास पिरामिड. Can feed the dozen of caterpillars and thanks to it, massive biomass.
तो जो ट्री होता है ऑफ ट्री, तो वो बायोमास का वो फुल ऑफ बायोमास होता है। उसको खाने वाला कौन होता है? कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर को खाने वाला कौन होता है? ब्लू टिक होता है। और ब्लू टिक को खाने वाला कौन होता है? स्पैरो हॉक और अदर अदर बर्ड्स। समझ में आया? समझ में आया? यस यस तो यस मैम। द स्पैरो हॉक ऑक्यूपाइज द हाई लेवल ऑफ पिरामिड। द स्पैरो हॉक ऑक्यूपाइज द हाई लेवल ऑफ पिरामिड। आगे देखिए, देर आर फ्यूअर रैट्स देन ग्रास हॉपर्स बिकॉज दे कंज्यूम ग्रास हॉपर्स। ओके, समझ में आया? एक मिनट, कोई पॉइंट मिसिंग नहीं हो गया? हाँ, सॉरी, इसमें ये फ्लैट चला गया था। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ पिरामिड्स कैसे होते हैं। पार्टली अपराइट द पिरामिड ऑफ नंबर। फर्स्ट इज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। पहला है पार्टली अपराइट पिरामिड और दूसरा होता है इन्वर्टेड पिरामिड। द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर मतलब क्या? दिस टाइप ऑफ द नंबर पिरामिड इज फाउंड इन द ग्रास लैंड इकोसिस्टम। दिस इकोसिस्टम कैरेक्टराइज बाई numerous autotrophs that suppose the layer lesser herbivores and the herbivores in the term support the smaller number of carnivores carnivores okay so upright pyramid na jo number hota hai upright jo pyramid number humko dikha deta hai wo kahan pe dikha deta hai zyadatar grassland plain land hota hai na grassland hota hai na plain land nahi sorry grassland hota hai na wahan pe humko wahan pe zyada dikha dete hai then number of autotrophs सपोर्ट द नंबर ऑफ ऑटोट्रॉप सपोर्ट द लेसर हर्बीवर्स कि वहाँ पे जो हर्बीवर्स होते हैं वो कैसे होते हैं कम होते हैं ओके तो क्या होता है देयरफॉर दिस पिरामिड इज अपराइट देन बी विथ एवरी हायर ट्रॉपिक लेवल द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिक्रीज जैसे मैंने अभी बोला कि नंबर ऑफ जो एनर्जी होती है सॉरी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे हो जाते हैं कम 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 हो जाते हैं For example, the grasses sit at the lowest tropical level or the base of the numerical pyramid because their abundance means availability. Okay, so grass वो primary level पे आता है. That primary consumption such as grasshopper occupies the next higher tropic level. Grassland पे कौन बैठता है? Grasshopper बैठता है. और grasshopper are fewer in the number. ओके बहुत कम दिखाई देते हैं चला अपन काय म्हणतो मराठीला मराठीत काय म्हणतो ग्रास ऑपरला काय म्हणतो आपण मराठी ग्रास ऑपरला काय म्हणतो मराठीत आपण तिला मराठीत काय म्हणतात ग्रास ऑपरला जो हिरवा रंगाचा असतो की नाही ग्रीन कलर का होता है ना ग्रास ऑपर उसको हम क्या बोलते हैं मराठी में मराठी में उसको क्या बोलते हैं आपने देखा भी है ग्रास ऑपर को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम जगह तरह टोल बोलते हैं हिरवा टोल और दूसरा दूसरा क्या बोलते हैं एक वर्ड है उसको इसके लिए मराठी में आप ढूंढ के आप कल बच्चे बताएंगे ओके तो grasshopper are fewer in the number than the tropic level next tropic level is primary carnivores such as rats so abhi grasshopper ke jo number grasshopper hai wo kaise dikha deta hai kam dikha dete hai lekin grass ko khane wala zyada number kahan pe dikha deta hai humko rat mein dikha deta hai rat mein dikhai deta hai okay आगे का पॉइंट देखिए एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टली अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर दिस टाइप ऑफ नंबर पिरामिड इज टिपिकल ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमको क्या कहाँ पे अपराइट पिरामिड हमको कहाँ दिखाई देता है ज्यादा फॉरेस्ट एरिया में दिखाई देता है और जो पार्क हेलो मैम हाँ हाँ तेला नाक तोड़ा बोलता
ओके एक मिनट, कोई मिस तो नहीं हो गए, मुझे ऐसा लगता है कुछ मिस हो गया। यस कौन सा वाला मिस हो गया? यस ये वाला, दो स्लाइड चली गई। ओके यहाँ पे देखते हैं, देयर आर फ्यूअर रेड्स एंड ग्रास ऑफर्स बिकॉज़ दे कंज्यूम द ग्रास ऑफर। सेकेंडरी कार्निवर्स सच एज स्नेक ऑक्यूपाई द हायर लेवल ट्रॉपिक लेवल। स्नेक फीड ऑन रेड एंड स्नेक आर ईटन बाय ईगल्स विच ऑक्यूपाई द हायर ट्रॉपिक लेवल एंड आर लिस्ट इन द नंबर। ओके तो जैसे अभी हम फूड वेब फूड चेन की बात करें, वैसे ही पिरामिड में वैसे ही आता है। तो पिरामिड, फूड चेन और फूड वेब एक दूसरे से कैसे हैं, कनेक्टेड हैं। तो हमको जो फ्यूअर फ्यूअरेट्स मीन्स जो हम बोलते हैं कि ग्रास को खाने वाले जो कंज्यूमर है वो कैसे होते हैं, कम होते हैं। लेकिन जो कार्निवर्स होते हैं, अभी जो कंज्यूमर फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर उसको खाने वाले कंज्यूमर कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं ट्रॉपिक लेवल। और सांप को खाने वाले मीन स्नेक ईटन बाय अदर एनिमल विच आर हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल। तो उसका जो लिस्ट और आर इन द लिस्ट नंबर, ट्रॉपिक लेवल ज्यादा होता है और उसका नंबर कैसा होता है, कम होता है। अंडरस्टैंड यहाँ पे ऐसा। ओके अब पॉन्ड सिस्टम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स। जो पॉन्ड सिस्टम होता है ना तालाब, उसका भी जो इको सिस्टम होता है वो अपराइट पिरामिड में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइटोप्लांकटन, फाइटोप्लांकटन मीन्स कि जो उसका हम बोलते हैं एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और एट द बॉटम ऑफ द लेक, छोटा छोटा जो हम बोलते हैं ना छोटा छोटा प्लांट्स वगैरह, छोटे से प्लांट्स आते हैं कि नहीं, जैसे अपन त्याच्या तळाला जातो आणि छोटे छोटे प्लांट्स असतात बघा, तर त्याला आपण म्हणतो फायटोप्लांक्टन। ओके लाईक अल्गे अँड बॅक्टेरिया आर द प्रोड्युसर्स हियर अँड द हायेस्ट इन द नंबर। की जैसे उसके हम बॉटम में जाए लँड के पॉन्ड के हम जब बॉटम में जाते तो हमको ये फायटोप्लांक्टन ये नंबर ऑफ हमको प्रोड्यूसर्स दिखाई देते हैं। एंड द स्मॉलर हर्बिवर्स फिशेस आर फ्यूअर इन द नंबर कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स। कि प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं हमको, कम दिखाई देते हैं। कि वो जो छोटे छोटे प्लांट फाइटोप्लांक्टन है उसको खाने वाला कौन होता है लेक में और पॉन्ड में, कौन खाता है उसको, मछलियाँ खाती है। ओके समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, कि नींद आ रही है? यस मैम, यस मैम। ये पॉइंट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं, दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आया कि ये रेड वाला समझ में नहीं, तो ये पॉइंट जल्दी से समझ में, कि जो पॉन्ड और लेक में जो छोटे छोटे वनस्पति होते हैं उसको हम बोलते हैं जो एट द बॉटम एकदम नीचे के और होते हैं, तो वो जो ज्यादा मात्रा में होते हैं उसको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और उसको खाने वाले मीन्स मछलियाँ जो होती है स्मॉल फिशेज आर इन अ लेस नंबर, वो कैसे होती है, कम होती है। लाइक वाइज द स्मॉल कार्निवर फिशेज आर लेस इन द नंबर देन द हर्बिवर्स वंस। ओके समझ में आया अभी? समझ में आया? हाँ मैम आया। लास्टली द एपेक्स कंज्यूमर और द लार्जेस्ट कार्निवर फिशेज आर एट लीस्ट इन द नंबर। कि उसको जो खाने वाली मात्रा होगी वो कैसे होगी, कम होगी। उसको कंज्यूम करने वाले जो लोग होंगे वो कैसे होंगे, कम होंगे। ओके समझ में आया? ठीक है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉन्ड इकोसिस्टम आल्सो डिपिक्ट्स एन अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स। फाइटोप्लांक्टन लाइक एल्गे एंड बैक्टीरिया आर प्रोड्यूसर्स and the smaller herbivorous fishes and compared to producers. Again, likewise the small carnivorous fishes are less in number and than the herbivorous ones. Lastly, the apex consumers are the largest consumers. Carnivorous fishes are less in the number. ये पूरा यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, ये लास्ट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको समझ में आए? समझ में आए? फॉर एग्जाम्पल समुद्र जो हम बोलते हैं समुद्र लेक पॉन्ड ये जो होता है तो उसमें जो फाइटोप्लांक्टन होते हैं उसको उसका वो प्रोड्यूसर्स वो ज्यादा होते हैं।
उसको खाने वाली मछली है, छोटी छोटी मछली होती है। आप डिस्कवरी देखते हैं? डिस्कवरी देखते हैं? हाँ मैम देखते हैं। हाँ, हाँ देखते हैं। डिस्कवरी में आपने कभी वो देखा होगा कि जो हम बोलते हैं ना कि उसको जो छोटी छोटी मछलियां होते हैं वो एकदम नीचे की ओर होती है। ओके, नीचे की ओर होती है क्योंकि वहां पे उनको क्या मिलता है, खाना मिलता है। ऑक्टोपस वगैरह ऐसा आपने देखा होगा, ऑक्टोपस वगैरह आपको उस नीचे जमीन नीचे की ओर ज्यादा हमको दिखाई देते हैं। ओके, लेकिन जो बड़ी मछलियां होती है, थोड़े साइज में बड़ी होती है, वो ऊपर की ओर होती है। और उससे भी जो बड़ी मछलियां होती है वो ऊपर की साइड में होती है। तो ये जो छोटी मछली होती है उसको बड़ी मछली खाती है, उससे बड़ी मछली को बड़ी मछली खाती है। फॉर एग्जाम्पल वेल, ओके, शार्क। अंडरस्टैंड? आपने देखा भी होगा डिस्कवरी में कि हाँ, हाँ मैम छोटी मछली को यस बड़ी मैम मछली खाती है, उससे बड़ी मछली उसको खाती है। समझ में आया? तो इस प्रकार की एनर्जी इज पासिंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ओके, ठीक यस मैम है, यहीं यस पे रुकते मैम हैं। ओके, विशाल स्टॉप हियर। और मैं आपको एक ओके बात बोलना चाहती हूँ। अभी मैंने जो गूगल शीट, अभी भी जो गूगल शीट सुबह में भेजा था, तो उसमें एक रोल नंबर था यस मैम 29, आई थिंक 78। ये रोल नंबर किसका है नाम तो मुझे पता नहीं, मैंने बोला भी था अगर आपने फिर से अगला दिन का अपने अटेंडेंस लगाया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। अगले दिन का अटेंडेंस लगाया तो मैं वहां से रिमूव कर दूंगी, आपका नाम ही रिमूव कर दूंगी, चलेगा? अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो सुनिए, नहीं अटेंड करे तो आप अपने दोस्त, जो आपके दोस्त है उसके पास से जरूर सुनिए कि अगर आप अगला दिन का अटेंडेंस लगा है तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। ठीक है, वो भी स्टॉप किया।